हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो आज की ये वाली वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा और ना ही कोई ग्लिच बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल गेम से रिलेटेड, जो कि एक हमारे मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर ने प्रिंट की है। तो जो न्यूज़पेपर है वो टॉप 10 की रैंकिंग में आता है पूरे इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पॉपुलर न्यूज़पेपर है। तो ऐसी वैसी न्यूज़, ये फेक न्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता है, नहीं प्रिंट कर सकता है। सो काफ़ी बढ़िया न्यूज़पेपर है, इसका नाम है दैनिक जागरण, जो कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट में चलता है इंडिया के। सो इन्होंने पबजी मोबाइल गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए हैं, डिसएडवांटेजेस बताए हैं और कुछ ऐप के बारे में बताया है, जिसकी हेल्प से अगर हम दिन भर गेम खेलते हैं पबजी मोबाइल गेम, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम में खेल सकते हैं। जैसे कि मुझे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खेलना है, तो 1 ही घंटे मैं खेलूँगा, ऐसे कर सकते हैं। सो काफ़ी यूज़फुल हैं ये सारी चीज़ें, और मैं आपको इसके न्यूज़पेपर के जो फोटोज़ हैं वो आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ इसे पॉज करके पूरी भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर यहाँ पे 3 फैक्ट बताए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो हमारा इंडिया है वो मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी में टॉप 5 की रैंक रखता है। कहने का मतलब ये है कि जब से पबजी मोबाइल गेम आया है तब से इंडिया ने काफ़ी सुधार किया है और काफ़ी ग्रो भी किया है अपनी रैंकिंग में, और आज आप देख सकते हैं कि टॉप 5 की रैंकिंग में है। सो आने वाले समय में ये टॉप 1 भी हो सकता है, टॉप मोस्ट भी हो सकता है, तो अभी के लिए टॉप 5 में है, तो काफ़ी बढ़िया बात है इंडिया वालों के लिए। सो बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्ट की तरफ। तो जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो ये है कि जो पबजी मोबाइल गेम है उसका 89% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 मिलियन डॉलर कमाता है पबजी मोबाइल गेम, तो उसमें से 89 मिलियन डॉलर तो इंडिया से ही पाता है। सो बढ़ते हैं अपने थर्ड फैक्ट की तरफ। तो हमारा जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि जो इंडिया की यंग जनरेशन है वो अपना गेम खेलने में 42 मिनट्स डेली यूज़ करती है, मतलब कि 42 मिनट्स वो डेली गेम खेलने में वेस्ट कर देती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन के मामले में, तो यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा गेम भी तो खेलेंगे। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि गेम खेलने से क्या क्या आपको नुकसान है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और दिन भर गेम खेलते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई पे नहीं हो पाता है, आप स्टडी नहीं कर पाते सही से, और इसका असर आपके रिजल्ट पे दिखता है। कई बार कई स्टूडेंट तो फेल भी हो जाते हैं। सो अगर आप कोई जॉब करते हैं और गेम के एडिक्शन में फंस गए हैं, तो आप गेम खेलते रहते हैं दिन भर, तो इससे आप लेट पहुंचते हो ऑफिस में, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि आप ऑफिस ही नहीं जा पाते हैं। सो कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो देर रात तक गेम खेला करते हैं, 12 बजे 1 बजे, इससे उनकी आँखों पर असर होता है और उनकी आँख में प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कई सारे लोग भी देखे हैं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं वो बिना खाए पिए खाना खाते ही नहीं हैं और गेम खेला करते हैं, कहते बाद में खा लेंगे ये वो, तो इसका जो असर उनकी शरीर पे दिखता है, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बेकार होने लगता है। सो अब मैं आपको उन दोनों ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप गेम एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, आप गेम खेलना कम कर सकते हैं। सो पहला जो ऐप है वो है म्यूट स्क्रीन टाइम ट्रैकर। इस ऐप की हेल्प से आप टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी देर आप गेम खेलते हैं, कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐप आपको प्रोवाइड कर देता है। इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कितना देर आप गेम खेलते हैं, और आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं कि हमको 1 ही घंटा गेम खेलना है। सो काफ़ी बढ़िया ऐप है, आपको ये फ्री प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा ऐप बताने वाला हूँ। तो जो दूसरा ऐप है उसका नाम है मोमेंट। तो ये काफ़ी बढ़िया ऐप है, अगर आप ज़्यादा देर गेम खेलते हैं तो ये आपको अलर्ट कर देता है, बता देता है कि भाई अब मत खेल यार, बहुत देर से गेम खेल रहा है। तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए ये गेम, एकदम ये ऐप एकदम फ्री है, आपको ये एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा, ये आईफोन में ही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया ऐप है और काफ़ी यूज़फुल भी हो सकता है अगर आप गेम एडिक्शन में फंस गए हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।